नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube परिवार पर। और बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के साथ साथ अब जो है सूचना सहायक भर्ती है उस पे भी अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी हाई कोर्ट ने। क्या है वो जो मैटर और क्यों लगाया गया अंतिम परिणाम, बात करते हैं इसी के साथ साथ कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कब तक जारी हो सकता है अंतिम परिणाम जो अभी है, और DV जो है चलता रहेगा ऐसा अध्यक्ष साहब ने बताया थी। तो वैसे तो एक राजस्थान में परंपरा बनी हुई है, नई चीज नहीं है कि जब तक कोई भी भर्ती कोर्ट के धोखा के नहीं आती है जब तक वो अवैध रहती है तो कोर्ट में चक्कर लगा के फिर आती है, फिर वो अवैध हो जाती है, फिर उसके बाद भी कोई अड़चन नहीं आती है। ऐसा इसलिए होता है कि सिस्टम जो है, जो अधिकारी बैठे हैं, जो पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट हैं, उनकी मेहरबानी की वजह से सब कुछ ये होता है, इतना ज़्यादा होता है कि अपने आप वो एक्सपर्ट बोलते हैं। इसकी वजह से जो है उनकी जो खूबियां हैं उसकी वजह से कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है मामला, हर भर्ती में जाता है, ये सूचना सहायक नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, हर भर्ती जो है कोर्ट में जाके आती है, फिर वो पवित्र हो जाती है, फिर उसकी प्रक्रिया चलती है। बात करते हैं इसके अंदर जो है लेना देना सब कुछ यही है कि जो स्टूडेंट है उनके आपत होती है, जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनके वैसे होती है टेंशन कि यार कब तक ज्वाइनिंग देंगे, कब तक ज्वाइनिंग देंगे, और जो इसको भर्ती को कोर्ट में लेके जाते हैं उनके ये रहता है कि यार ये कुछ बदला हो जाता है तो अपन भी इसके अंदर जा सकते हैं, ये है। और मेन जो मोटा है वो सब कुछ जो है अधिकारी है उनकी मेहरबानी है। वैसे तो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का मामला जो है 5 नवंबर को सुनवाई होगी, उसमें वो 21 तारीख जो 21 एज वाला मैटर था वो था, प्लस जो है कि जो उन्होंने 23 क्वेश्चन डिलीट किए थे उससे रिलेटेड है। जैसा कि अध्यक्ष साहब ने बताया था कि हम जो है 5 तारीख को बढ़िया वकील करके या अपना पक्ष है वो रखेंगे और कोशिश करेंगे कि स्टे जो है हटता है, उसके बाद में हम जल्दी जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम जारी कर देंगे, ऐसा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक कुछ भी जो है कोर्ट को दोनों तरफ पक्ष रखते हैं, सही क्या है, सही गलत है या सही है वो कोर्ट तय करेगा, और उसके बाद में परिणाम जो डिसीजन देगी उसके बाद में ही कोर्ट आगे जो बोर्ड है कार्रवाई स्टार्ट करेगा। बात करें सूचना सहायक को लेकर, सूचना सहायक का मामला क्या था, वो क्वेश्चन मामला है उसको लेके कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, उसी के आधार पर जो है मान्य जो हाईकोर्ट है उन्होंने बोला है कि 5 तारीख तक अध्यक्ष वो जो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष है उनको बोला है कि आप अपना पक्ष रखो और अंतिम परिणाम जारी मत करना। मतलब ये है कि एक गुना जो लिस्ट है वो जारी नहीं करनी है, DV चलते रहेंगे जैसे अकाउंटेंट के चल रहे हैं, वैसे ही जो है स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर रहे हैं सूचना सहायक के लिए वो चलता रहेगा, साथ में दोनों चीजें चलती रहेगी। और जो भी है परिणाम जो है वो तो अब जो है दोनों पक्ष रखेंगे, सही है गलत है ये डिसीजन कोर्ट करेगा, आपके और अपने से करने से नहीं होगा। इसलिए जो भी साथी अकाउंटेंट में ज्यादा अकाउंटेंट वाला टेंशन है कि यार जिस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी उस दिन तसल्ली आएगी, वरना ये कभी कभार ग्रुपों में ये इधर उधर अकाउंटेंट का मामला थोड़ा ज्यादा हाई है, सूचना सहायक वाला है थोड़ा है, लेकिन देखो कोर्ट में कोई चीज पहुंच जाती है ना तो फिर उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो कोर्ट तय करता है कि सही है या गलत है, और जो लेके जाता है उसको ये लगता है कि नहीं साहब थोड़ा बहुत ये कोर्ट हेरफेर करता है या गलत है, तो ये चीज़ है। बाकी ये परंपरा है राजस्थान की कि कोई भी भर्ती हो कोर्ट जाके ही आती है, तो ये भी गई, ये भी बैठ चढ़ चुकी है, जल्दी इसका 5 तारीख को निपटारा हो जाना चाहिए ऐसा लग रहा है। 5 को नहीं होता है तो आगे कुछ जल्दी डेट मिल जाएगी, वही संभावना यही है ज़्यादातर कि 5 तारीख जो है उसको दोनों की सुनवाई होगी, और जो अध्यक्ष साहब हैं या अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से जो भी एडवोकेट आते हैं सरकारी वकील वो इसका मजबूत पक्ष रखेंगे, तो जो है मैटर उसी दिन सॉर्ट आउट होगा, उस दिन नहीं रख पाते हैं तो थोड़ा और चल सकता है, ये है। ठीक है साथियों, ये थी न्यूज़ सूचना सहायक को जूनियर अकाउंटेंट को लेके, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।